रेत से समंदर की तरह अब ये इश्क होगा बेपनाह। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यार रिलीज हो चुका है शरद और सुरभि का बेपनाह प्यार का पार्ट टू, बेपनाह इश्क। और अब ये इतना बेपनाह होने वाला है कि पार्ट पे पार्ट आएंगे। वीर और बानी यानी कि शरद और सुरभि के फैंस के लिए धमाके ही धमाके होने वाले हैं। बात करते हैं जहाँ पार्ट वन में हमने देखा कि एक CBI ऑफिसर जो कि चोर की गैंग को पकड़ने के लिए आती है, लेकिन वो खुद शरद मल्होत्रा के प्यार में डूब जाती है और उसके साथ निकल जाती है। तो पार्ट टू में हमने देखा जहाँ पर CBI ऑफिसर्स शरद और सुरभि की सर्च में लगे हुए हैं, जहाँ एक तरफ दो प्यार करने वाले शहर बदल चुके हैं, रोमांटिक सिचुएशन में पहुँच चुके हैं, लेकिन उनकी तहकीकात अब भी चल रही है। उन्हें डर है कहीं हम पकड़े ना जाएं। तो थोड़े से सुकून के पल में दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वीर और बानी के फैंस के लिए फुल रोमांस इसमें दिखाया गया है। वीर और बानी का बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं। जो भी हमने नागिन 5 में मिस किया या फिर जो हमें नहीं देखने को मिला, वो बेपनाह में जरूर मिल रहा है। जहां CBI ऑफिसर्स की टीम वीर और बानी की सर्च में लगी हुई है, वहीं पर उन्हें एक क्ल्यू मिल जाता है, जहां पर वीर जब अपने कैफे में होता है तो वहां से एक कस्टमर इन्फॉर्म कर देता है पुलिस को, जिसके बाद ये बात सुरभि को पता चल जाती है। इसलिए वो कोशिश करती है कि CBI ऑफिसर्स शरद तक पहुँचें, उससे पहले वो शरद को इन्फॉर्म कर दे। वो कॉल करती है शरद को बताने के लिए, लेकिन शरद उस टाइम हेडफोन्स लगाकर जबरदस्त गाने सुन रहा होता है, इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता, उसे कॉल का पता नहीं चल पाता। इसलिए सुरभि भागकर घर की तरफ जाती है, लेकिन सुरभि से पहले ऑफिसर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। तो क्या हमारा शरद मल्होत्रा चील भाग चुका होगा या नहीं, ये देखना जबरदस्त होगा पार्ट 3 में। जी हाँ यारो, इस बेपनाह प्यार बेपनाह इश्क के इतने बेपनाह पार्ट आने वाले हैं कि शरद और सुरभि के फैंस खुश हो जाएंगे। यारो मैं बात करता हूँ व्यूज़ का, काउंट जो है हमें ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ करना है इस सॉन्ग का। इतना ज़बरदस्त सॉन्ग है, इतनी ज़बरदस्त मेहनत की गई है, तो हमें कोशिश करनी है आज के दिन हम इसे 1 मिलियन प्लस क्रॉस कर दें। और यारो जिस टाइम पर बेपनाह इश्क रिलीज़ हुआ है, अभी इस वक्त बेपनाह प्यार के 73 मिलियन व्यूज़ हैं। तो हमें कोशिश करनी है जितना टाइम बेपनाह प्यार को 73 मिलियन क्रॉस करने में लगा है, उससे कम या फिर हाफ टाइम लगे हमें बेपनाह इश्क को 73 मिलियन क्रॉस कराने के लिए। तो कितने रेडी हैं आप, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, किस किस टारगेट के लिए आप रेडी हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और कितना पसंद आया आपको चील और नागिन का ये बेपनाह इश्क, ये भी जरूर बताइएगा। यारो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस सॉन्ग को इस तरीके से प्ले ना करें कि आपने प्ले किया, थोड़ा सा सुना और काट दिया। अगर आप एक बार प्ले कर रहे हैं तो उसे पूरा सुनने की कोशिश करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कमेंट सेक्शन में चैटिंग ना करें, जैसे कि वानी फैंस हैं हमारे, हम सभी जानते हैं कि चैटिंग होती है, तो इस सॉन्ग के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे चैटिंग ना करें, ताकि स्पैम में ना चला जाए, फिर कुछ ड्रामा ना हो। हमारे जो व्यूज़ हैं वो बिल्कुल रियल काउंट होने चाहिए। आसान भाषा में कहूँ तो वानी फैंस के दिल में भी क्या चल रहा है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो वैसा ही होना चाहिए। जबरदस्त तरीके से इस सॉन्ग को प्यार दीजिए और रेडी हो जाइए पार्ट 3 के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।